fudge on him. There's always people who want photos and Adobe. And the picture keeps there. You're like this. Well, like, KB Cinema, we're like, you know, if they stop doing that, that means you're out of business. So, yeah. Achha, it's part and parcel of your work. And sabko pata hai that how much he loves his kids and loves his home. Yeah, you know, ye kaam hota hai. And we assume, hum assume karte ke bibi ko pura lagega, ye lagega. He has earned this, so I think it's great. I think it's really wonderful. I was really proud of him. Ye ruin, ruined my birthday. Literally, ये आपको I want to share. It was my birthday और हम लोग गोवा गए थे family के साथ एक अच्छा खासा family trip मनाने. Birthday के एक दिन पहले बोलता है सुन आजा लंदन हाँ let's go for a music video. Are you on for it? But the road is only you can do it. It is like a casanova. ये वो ना और अच्छे पैसे दे मिलेंगे ना. I can't have birthday. ये क्या बोलते हैं? जा, जाके काम कर. So it's truly said, right? हर successful आदमी के पीछे एक औरत की लात होती है, right? हम पीछे भी कभी आगे होती है. But I feel it's always auspicious on your birthday songs that you've been doing. How's the whole experience been? Well, जब हम लोग ये रिकॉर्ड करने गए तो सिद्धांत मुझे इतना गवाया, उन्होंने इतना गवाया कि हम लोग में हाथापाई हो गई और बहुत बहुत मारा हम दोनों ने एक दूसरे को और इनको फिर हम अस्पताल लेकर गए क्योंकि ऑब्वियसली मैं वो फाइट जीत गया क्योंकि मैं सही गा रहा था फिर भी ये बोल रहे थे नहीं ऐसा गाओ तो हम लोग की वो हो गई झगड़ा हो गया और फिर हम दोनों को झगड़ा करते देख के साउंड इंजीनियर भी हम दोनों को मारने लग गया तो बहुत मारा मारी की हमने उस रिकॉर्डिंग में और फाइनली जो गाना बन के निकला वो बहुत ही खूबसूरत बन के निकला 7 दिन बेड रेस्ट भी इन्होंने किया और इट वॉज क्वाइट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एनर्जी हाँ एनर्जी बहुत मतलब वो गाने के अंदर भी इतनी एनर्जी थी पता है आ गई वो हाँ वो हम भी जब सुनते थे ना तो एनर्जी मिलती थी हाँ नहीं बहुत पर सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा गवाया है इसने मतलब बहुत एक वर्ड नहीं छोड़ रहा था वो बोल रहे नहीं नहीं वो वैसा चाहिए वो वैसा चाहिए फिर मैं बोला तेरी तो इधर धाप धूप ये हो गया और फिर हमारे सारे गाने में मार खाता हूँ हाँ बिकॉज मैं छोड़ता नहीं हूँ और फिर एंड में ये इरिटेट होके मारते हैं नहीं बर बहुत मुझे मन मर्जियां करते हैं बेसिकली राइट हम दोनों जब मिलते हैं तो फिर कुछ जो मन कर रहा है वो करते रहते हैं तो वो एक बड़ा मजा आता है कि कोई पैटर्न नहीं रहता है उसका कि आप फ्री हो जो करना है करो एंड ही सपोर्टेड मी अ लॉट एज अ सिंगर हॉस्पिटल भी पहुंचाता है बेचारा मार मतलब ये ज्यादा अवार्ड धारी है मतलब डांस स्टेप्स को लेकर बोले तू है ना एक नंबर का एच डॉट 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 एम आई लग रहा है अपनी इसको बीप कर देना बिकॉज़ मैं अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज नहीं करता दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट अच्छा लग रहा है मैंने ये कैसा ये तो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो मेरी बेइज्जती कर रहा है रियली बोले नो नो इट इज शूटिंग द दिस थिंग यू नो यू आर लुकिंग लाइक दिस यू आर लुकिंग लाइक दैट सेम वही चीज सेम सेम हां तो वैसे ही एच डॉट 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 साउंड कर रहा है मेरा क्या रहता है वाओ क्या गाया है एक और लेते हैं क्या बोलेगा यार अभी ये परफेक्ट है एक और लेते हैं ओके ठीक है तो एनीवेज बट इट्स गुड जो आपने टीजर देखा हमेशा होता है एक जब एक ऑडियो बनता है व्हेन यू सी इट ऑन द स्क्रीन आपका क्या रिएक्शन देखिए टीजर का काम ये है कि इट शुड टीज यू इन अ वे दैट यू वांट टू वॉच द होल थिंग और मैं जब से टीजर देखा हूँ मैं सब इनको भी बोला उनको भी बोला कि पूरा किधर है यू नो आई एम लाइक वेटिंग टू वॉच द होल थिंग तो नहीं दिखा रहे अभी देखते कौन हॉस्पिटल पहुंचता है फिर से ऑनेस्टली ड्रीम बुक फॉरकास्ट इज बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो आई थिंक इज गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन लोगों को मतलब जिस तरह मैं एक्ट करता हूँ उनको लगता है कि हाँ ये वैसा टाइप का है बट इसके बाद तो छाप लग जाएगी ये वही है लिटरली बिकॉज वेरी अगर आप पूरा गाना सुनोगे द लिरिक्स
एंड द कॉम्पोजिशन इज डेंजरस. इट इज लिटरली जो मैंने वहाँ पर कहा कि बॉम्बे को माया नगरी बोलते हैं, दिस सॉन्ग रिप्रेजेंट्स बॉम्बे मुंबई लिटरली बिकॉज इट आई डोंट नो वॉट मोर टू से रिगार्डिंग द सॉन्ग बट आई लव मतलब मेरे अंदर बस गया वो गाना. तो आई कैन इमेजिन एक मतलब जो ले मैन होंगे वो लोग तो दिल थिंक दिस इज इट ड्रीम बुक फॉरकास्ट इज इट यू नो. सो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस. सो कहते हैं ना द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. लिटरली आपने वो प्रूव कर आप दोनों ने वो प्रूव किया है. आई एम नॉट किडिंग. इट्स कमेंडेबल दैट यू कैन राइट विदाउट एनी एफर्ट एंड यू राइट ब्यूटीफुल. आई थिंक जो बात अगर दिल तक पहुंच जाए तो आई थिंक इट्स दिल तक. ये तो दिमाग को खराब कर देगा ये गाना. ये लिरिक्स आई एम किडिंग यू नॉट. एक्चुअली क्या होता है मैं गाना शुरू करता हूँ तो लगता है ठीक है ओके ओके है. फिर उस पर जब सिंगर डब करता है तो नहीं यार अच्छा बन रहा है. लेकिन फाइनली जब मैंने वीडियो देखा देन. आपने पूरा वीडियो देखा? नहीं अभी तो यही देखा. अभी तक यहाँ मुझे भी इन्होंने यही देखा है. तो बदमाश लोगों ने यही दिखाया. He is a magician. He literally man. He is created. तो मुझे लगता है कि यार अच्छा गाना बन गया. You know again, sorry, just want to add a little bit more on this, on the point what I said about how this song represents dream book forecast and how it's dangerous, but it's going to be very helpful for dream book forecast also. True, but I looked at it as a very philosophical song. Yeah. It is very, bro, it is philosophical in a, you know, what kehte na, in a, I don't want to say the word, man, but literally, it is philosophical. That one line which comes in. But in a very. We are teasing you guys. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. Angel और devil होते हैं ना. अब आप समझ लो ये गाना क्या है. But I hope you guys liked it, यार. मतलब क्योंकि आप लोग you guys do this on a daily basis. मैं बहुत videos देखता हूँ जहाँ पर वो you know press conferences होते हैं. And I just enjoy जो साइड से आवाज़ आती है राइट 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 लेफ्ट लेफ्ट जो आवाज़ें आई जस्ट लव दैट साउंड एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. He didn't want me to wear clothes. He wanted me, I said. That is why you made some person very challenging compared to the songs that I've shot before. Why? Because this man is just naturally amazing. He gave me one shot in everything. And whatever, I just told him, like, you know, do what you do best when you're on screen. And that's what he did. I mean, for me, it was very easy because I know he can dance. He acts very well. It just gave him a character and he plays it so well. And so, yeah, it went like a makhan for me, for sure. And I've shot a lot of promotional songs for films, for other projects, for ad films and stuff. But I never thought I would shoot something like this for a product, yeah. I know, really. But generally, music videos are like music videos. Yeah. But Dream Book Forecast was so generous to, you know, let us do whatever. Absolutely. Yeah. Because I think the whole, this concept is only like that. Okay, you know, it's dreams. Fulfill your dreams. Yeah. Did you fulfill your dreams? I want to share one incident. That this badmash, our director and dress designer, okay? These guys wanted that, well, they had some options of very those Versace kind of shirts and all. I said no. Kuch to matlab change. Go with the designer. Go do matlab get me clothes that look like it's a that you're a Casanova. Like people want to eat you. That yeah. So, hum log gaye to the mall. There was nothing available. Hum log wapas bahar aa rahe the. To hamari jo designer hai wahan par lady section mein unhe ye netted top mila jo ek ladies ka hai. लेडीज टॉप मैंने पहना हुआ बिकॉज मैंने देखा तो वाओ लिटरली बिकॉज वी वांटेड समथिंग लाइक दिस फॉर इट. अब एक और इसमें अब लोग हंसोगे बट दिक्कत ये थी कि ये शॉर्ट क्रॉप है ओके बिकॉज एक्चुअली इतना नेटेड टी शर्ट तो शॉर्ट अगर मैं हाथ ऊपर करता तो ये ऊपर चला आता. ऑफ कोर्स मैन दिस इज पार्ट ऑफ इट. सो हम दोनों को आइडिया आता है काम करते हैं जो वो लेडीज एक वो पहनती है ना बॉडी सूट नीचे से जो
बटन होता है. वी एक्चुअली वेंट टू लॉजरे स्टोर, वी बॉट अ बॉडी सूट, वी कट द बॉडी सूट एंड वी सो दैट व्हेन आई पुट माय हैंड्स अप दिस गाय ही वांटेड मी टू गो, यू गो वाइल्ड इन द डांस. सो अभी मैं ऊपर करूँ यहाँ पे मेरे नेवल दिख रहा है तो अजीब लगेगा ना, थोड़े बाल वाल आए हुए हैं तो अच्छा नहीं लगेगा. सो लाइक रियली हिलेरियस इंसिडेंट्स वी हैड एंड इट वाज अ प्लेजर, इट वाज सीरियसली अ प्लेजर वर्किंग विद द टीम. इट वाज फन, एब्सोल्युटली. रियली मुझे अभी कहाँ गई हमारी जो होस्ट है, मुझे संस्कारी कैसनोवा बोल दिया. मतलब आई वॉज नेवर अ कैसनोवा वाली इमेज नहीं थी मेरी कभी भी. मेरी एक रिच स्पॉइल्ड ब्रैट, एक यू नो एंटी हीरो काइंड ऑफ इमेज थी. ये गाने के बाद बोला कि तू मेरी इमेज है ना, वो सही कहा उसने, संस्कारी कैसनोवा. आई लव माई फैमिली, आई एम अबाउट किड्स, आई एम अबाउट वाइफ, आई एम अबाउट फैमिली, मॉम डैड, यू नो बहुत अच्छा. माई माई सोशल मीडिया फीड इज ओनली अबाउट फैमिली. वो बनाते समय बस यही था कि लाइक माया एंड दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, उसके ऊपर लाइक व्हाट इट हैज इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ. सो मुझे मुंबई ही याद आई. बिल्कुल आपने सही बोला कि इट्स ऑल अबाउट मुंबई बेसिकली, और मुंबई से बड़ा पैसा तो कहीं है नहीं आई गेस. तो आप म्यूजियम मुंबई को विजुलाइज कर लो, गाना अपने आप बन जाएगा. मैं तो ऑलवेज जब वर्ड्स पढ़ता हूँ तो अपने आप यू नो इमोशंस निकल आते हैं, और वही हुआ इसके साथ भी. और जैसे मैंने कहा, जब मैंने पहली बार जब लिखा अपने यू नो सिंगिंग पर्पस के लिए, जब मैं लिख रहा था गाना, ये मुझे डिक्टेट कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा ये बहुत फिलोसफिकल है. और आई रियली फेल्ट the words, and you know ek do bar we stopped the recording also because I was telling you know the couple of lines in this are so heavy that you know it's well you have to listen to it. And in fact there's one line which I loved in the entire track, paida gareeb hua isme koi baat nahi hai, marna gareeb pada to teri koi aukaat nahi. It is up to you, it is in your own hands. जो भगवान ने दिया वो चेंज नहीं कर सकते. ओम नमः शिवाय टू दैट. सीरियसली दैट्स व्हाट एब्सोल्युटली यू नो वी आर नॉट, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम लाइन. व्हाट आर यू सेइंग देव, आई किड यू नॉट. रिकॉर्डिंग एंड सेड कि ब्रो दिस इज सो हेवी, आई नीड सम. मैं बार-बार, सो आई एम टेलिंग यू, इट इज इट रियली दिस लाइन मूव मी. मैं जब लाइन रिहर्स कर रहा था, मैं जिम में था वहां पर लंदन में, एंड जैसे ये लाइन आए फॉर शिट दिस इज सो मीनिंगफुल. इस लाइन में इसको बार बार पढ़ रहा हूँ, बार बार सोच रहा हूँ, एंड मैं सोच रहा हूँ अबाउट एक इंडिया के बारे में. नॉट इन इंडिया बट टू द वर्ल्ड. इफ यू आर बॉर्न पोएट इट्स ओके, यू नो दैट इज व्हाट गॉड हैज गिवन यू, बट आप जो बनाते हो अपने आप को आपके ऊपर. अगर नहीं बना पाए तो कोई औकात नहीं. रियली देन डोंट कंप्लेन. ट्रू. यू हैव इट इन यू एवरीबडी. हम लोग यार वी आर मेड ऑफ स्टार्स, सेलेस्टियल पावर्स. मतलब क्या किसी की क्या औकात के हमें कुछ भी बनने से रोक दे. इट्स ऑल अबाउट एडिंग ऑन इन योर लाइफ. इट इज इन योर हैंड ओनली. योर डेस्टिनी इज इन योर हैंड. गॉड इज वेरी फेयर एंड गॉड गिव्स वेरी ट्रू एवरीबॉडी इक्वल अपॉर्चुनिटी. सिर्फ प्ले करती है कि आप जिंदा हो. बस क्या बात कही है. आप जिंदा हो तो डेस्टिनी आपके फेवर में है. वाओ. मरेगा तो खत्म. ईशा की विशेषता क्या है? ड्रीम बुक पॉडकास्ट जो है इसमें स्पेसिफिकली क्या है? कभी समझ लो कि कुछ क्रिकेट गेम हो रहा है या फुटबॉल गेम हो रहा है, तो कौन से टीम में क्या प्लेयर्स, मेरे को जितना पता है मैंने भी पूछा था ये सवाल. और ये फिर स्टॉक्स प्राइसेस कि क्या कंपनीज किस चीज़ में क्या इन्वेस्ट हो रहा है, वो आई थिंक इट्स बेसिकली अ फोरकास्ट ऑफ वेयर यू कैन इन्वेस्ट एंड यू नो ऑफ एवरीथिंग. मतलब सारे जो भी प्रोफेशंस है ना, जो भी काम है, ये सब सबकी फोरकास्ट बताता है. स्पोर्टिंग इवेंट्स, शेयर्स, बिजनेस, और मे बी इवन इक्विटी. तो ये सब आप जब गाना देखोगे ना आपको पता लग जाएगा, आप खुद ही पहुंच जाओगे वहां पे. वेदर फोरकास्ट नहीं है शायद से. वेदर फोरकास्ट सभी प्रचार प्रसारों को पब्लिक के बीच ले जाने के लिए कहा. आप देखना ये गाना जैसे सुनेंगे ना, ये वो कैसी आंख में है ना, वो आप हिप्नोटाइज हो जाते हो. ये गाना ऐसा जाएगा सीधा ऐप के ऊपर ठक. ऐसा ये गाना लिटरली वैसा नहीं, बहुत काफी अच्छा गाना है. आई रियली लाइक व्हाट. Yeah, the song is... I hope you guys also like it, yaar. Matlab, that's what matters the most. Yes, absolutely. Yeah.
I think you sing, yeah. Haan, yaar, because aap... I don't remember all the lines. I Haan. Need my paper. Please. Even I will need my paper. खुद लिख के ऐसा करिए बोलेंगे तो फिर कैसा चलेगा? ये lip-sync करेगा? हाँ, मैं lip-sync करता हूँ. Have you mailed me the lyrics anytime? No, I didn't. But the song also sounded like you. पैसा का नक्ता है तू गौर से सुनना बढ़ जाएगी भूख पैसा जैसे जैसे आएगा लगा है लंगर तू खाना आखिर कितना खाएगा मनी 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 जब ता जा 24/7 मनी नहीं तो नहीं तो मनी है तो सब है हेवन जो कशिश है ना नकाश इस मनी में जो ओनली पैशन ड्रीम बुक लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन माया है इसी की छाया है माया नहीं तो कड़पती तेरी काया इसी की छाया है माया नहीं तो तड़पती तेरी काया ये जो है ना ये तड़पी तेरी काया आई मिस्ड इट ट्वाइस मैं ये बोला नहीं 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 वापस करा था क्यों लेना जरूरी है देयर वाज वन टाइम ही ओनली केम टू मी आई फॉरगॉट दैट